जो रुपी को मजबूत किया जा रहा है, जो जितना भी मजबूती है वो मिडिल ईस्ट में बैठे लोगों की वजह से है, क्योंकि सऊदी अरब से करीब 12 बिलियन डॉलर्स का आप अंदाज़ा लगाइए, 12 बिलियन डॉलर्स हमारे हर साल आते हैं। जो ठंडी हवाएं इस्लाम से आ सकती हैं उसका असली फ़ायदा अभी तक हमारे देश ने नहीं उठाया इस्लामिक बैंकिंग की शक्ल में। इंडिया में वफ़ की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि उससे उनको फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो सके और वफ़ की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़ुज़ भी हो सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को भी हो सके। इंडिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में संबंध ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट बनाने के लिए, जिस काम में सरकारें फेल हो रही, इस सरकार में सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं, इस सरकार में तो लूट मची हुई है। इस सरकार ने तो चाइना को 1,000 किलोमीटर जगह दे दी और मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन वहां से फायदा उठा रहे हैं, तो ये सरकार की तो हालत ही है। अभी आप सऊदी अरब गए थे दौरे पर, वहाँ पर ओल्ड बॉयज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने बुलाया था, तो क्या मकसद था? देखिए, मैं बहुत सालों से, हालांकि मेरी तो पहले ज़्यादातर वकालत भी बाहर की थी, लेकिन जब से ये जो वफ़ की कार्रवाई और ये जो बेगुनाह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लोगों के खिलाफ जो साजिशन झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, उन सब केसेस को मैंने हाथ में लिया, तो सरकारों ने मेरे खिलाफ़, पहले कांग्रेस की सरकार ने और उसके बाद इस सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ की जो कि नाजायज़ थी, और उनका मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये मनुवादी साजिश को बेनकाब ना कर पाऊँ जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मनुवादी ताकतें कांग्रेस के अंदर भी थी और अब भारतीय जनता पार्टी में तो डायरेक्ट ही आ गई हैं, उनको बेनकाब ना कर पाऊँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगाएंगी। लेकिन उसके बाद काफ़ी सालों बाद जब मुझे बहुत सारी जगह से इनविटेशन आते थे, यूरोप अमेरिका सब जगह से, तो मैंने, मेरे पास टाइम भी नहीं होता था और मैं यहाँ पे जो हम मेहनत कर रहे हैं वो छोड़ के जाना भी नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी सालों बाद मैंने ये महसूस किया कि अब हम यहाँ पर एक सिस्टम बना चुके हैं, तो अब मुझे बाहर भी जाना चाहिए और बाहर जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं वो देश के लिए एक बहुत अहम फीलिंग भी रखते हैं और देश की बढ़ोतरी के लिए वो जज्बा भी रखते हैं, तो मैं इसलिए वहां गया हूं कि ये जो लड़ाई हमारी अंदर की है ये तो हम खुद लड़के जीतेंगे, लेकिन बाहर से हम देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सरकारें फेल हो रही हैं, ये सरकार तो खास तौर पे फेल हो रही है, हमारे इतना बड़ा डायस्पोरा है, और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 60% जो फॉरेन एक्सचेंज आती है कम से कम वो मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद पर आ रही है, और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और लोग भी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद पर ही देश की 50% और 60% के बीच में, अगर 60% नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, और फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त कितनी किल्लत है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की, उसी की वजह से हमारे रुपी का जो जो जो, जो ताकत है वो भी कितनी तेज़ी से घट रही है, तो अगर इसको कोई रोक लगा रहा है तो वो मिडिल ईस्ट में बैठे हमारे जो लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रोक लगा रहे हैं, जो रुपी को मजबूत किया जा रहा है, जो जितना भी मजबूती है वो मिडिल ईस्ट में बैठे लोगों की वजह से है, तो उन लोगों को ये, एक तो एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करने गया था मैं, और उनको ये बताने गया था कि आप लोग जो हैं भारत के लिए, जहाँ जहाँ जिस जिस भी कंट्री में हैं, और यही मैसेज मैंने वहाँ के जाके दिया भी, जिस जिस भी कंट्री में इंडियंस हमारे हैं वो पूरी ताकत लगाएं, हालांकि वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, और भी ताकत लगाएं कि वहाँ की जो सरकारें हैं भारत से व्यापार ज़्यादा करें, अपना एक एक लॉबिंग वहाँ पे बनाएं, भारत के साथ व्यापार ज़्यादा करें, और भारत के साथ भारत को फ़ायदा पहुंचाने वाली और उनके देशों के जो जो सरकारें हैं और उनके देश के जो बाशिंदे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें बायलेटरल रिलेशन बना के। सऊदी अरब में जो गया था मैंने, ख़ास तौर पे 3 वहाँ पे गुजारिशें की वहाँ पे, एक तो शुक्रिया अदा तो किया ही उनका, क्योंकि सऊदी अरब से करीब 12 बिलियन डॉलर्स का आप अंदाज़ा लगाइए, 12 बिलियन डॉलर्स हमारे हर साल आते हैं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज, वहाँ पे हमारे जो लोग गए हुए हैं वो खून पसीना एक करके 12 बिलियन डॉलर्स हर साल भेजते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान सिर्फ सऊदी अरब सऊदी अरब का ही। दूसरा, बहुत सारे प्रायोरिटी फैक्टर्स जो एरियाज चिन्हित किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट ने, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भी है, तो मैं ये गुजारिश करने गया था वहाँ लोगों से कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक जो फाइनेंशियल निज़ाम है उसका बहुत बड़ी एक कहा जाए कि ज़रूरत है इंडिया में भी, और बहुत बड़ी उसके लिए एक ज़रूरत भी है और एक 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 तरह से एनवायरनमेंट भी है यहाँ पे, तो और बिना ब्याज के अगर
बैंकिंग यहाँ शुरू होगी तो उससे जो गरीब तबके हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के और ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो गरीब तबके हैं, उनको ब्याज फ्री, इन जो जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलने का बहुत बड़ा स्कोप इस्लामिक बैंकिंग से है। तो एक जो इस्लाम का जो अच्छी जो ठंडी हवाएं इस्लाम से आ सकती हैं उसका असली फ़ायदा अभी तक हमारे देश ने नहीं उठाया इस्लामिक बैंकिंग की शक्ल में। तो ये तो मैं गुजारिश करने गया था कि एक लॉबिंग इस बात की जाए कि इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के लिए कि किसी बड़े सऊदी इस्लामिक बैंक को यहाँ पर लाया जाए ताकि वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पर लोगों को दे, और वो एक बिजनेस प्रपोजिशन भी अच्छा है। ये सिर्फ एक कोई ये नहीं है कि ये कोई सिंपथी या चैरिटी के तौर पर हो, बल्कि एक ये बिजनेस प्रपोजिशन भी है, क्योंकि 90% जो ऐसा देखा गया है जो सर्वेज आते हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, जो छोटे लोन लेते हैं ना लोग, वो 90% वापस करते हैं, और जो बड़े लोन लेते हैं वो 90% डिफॉल्ट करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग इस्लामिक बैंकिंग की अगर इंडिया में होगी तो वो एक बिजनेस प्रपोजिशन भी अच्छा है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस या छोटे लोन दिए जाएंगे, इसमें गरीबों को दिए जाएंगे, और उसका फ़ायदा उन लोगों को भी होगा, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो शरीफ ज़्यादा होते हैं और वो लोन वापस भी करते हैं, तो उसका फ़ायदा फाइनेंशियल भी इन इस्लामिक बैंकिंग जो सऊदी से आएंगी उसको होगा। दूसरा मैंने एक ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक दूसरा थ्रस्ट एरिया है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, तो इंडिया में जो वक्फ की लैंड है वो किसी भी और एक लैंड बैंक से ज़्यादा बड़ा लैंड बैंक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें भी अगर वहाँ के जो 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 म्यूचुअल फंड्स हैं या वहाँ की गवर्नमेंट है या दूसरे इदारे हैं या प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं, यहाँ इंडिया में वफ़ की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि उससे उनको फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो सके और वफ़ की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़ुज़ भी हो सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को भी हो सके, और उसका स्पिन ऑफ जो होता है ना, एक उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा पूरे देश को भी हो। तो ये दो चार चीज़ें थी जिसके लिए मैं वहाँ गया था, और अब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे अब बहुत सारी जगह से इनविटेशन ऑलरेडी भी आए हुए थे, और अब उन्होंने कहा है कि हम आपको मिडिल ईस्ट में ही सब जगह बुलाएंगे ताकि आप यही बात इंडिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में संबंध ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट बनाने के लिए, जिस काम में सरकारें फेल हो रही उसको हम लोगों को, क्योंकि सरकार असली सरकार तो देश के नागरिक ही है ना, मालिक तो देश के मालिक। तो आपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर डेवलपमेंट की बात कही, लेकिन इस सरकार में तो ऐसा लग रहा है जिस तरह के चीज़ें आ रही हैं सामने कि तमाम प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने के प्लान। इस सरकार में क्या, इस सरकार में सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, इस सरकार में तो लूट मची हुई है। मनुवादियों ने कौन सा नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी है, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, तो वक्फ भी देश के अंदर ही है, तो वो लूट का हिस्सा वक्फ वालों को भी भुगतना पड़ेगा। इस सरकार ने तो चाइना को 1,000 किलोमीटर जगह दे दी, और मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सरकार की तो हालत ही है। तो सऊदी अरब में मैं गया था तो मैंने एक बात और भी कही थी कि देश के अंदर जो हमारे देश की प्रॉब्लम है वो हम अपने आप निपटेंगे, आप देश के अंदर, देश के बाहर जाके हमें देश का बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है और देश के लिए फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है, देश के संबंध दूसरे देशों से अच्छे बनाने, अंदर हमें कैसे ठीक करना है ये हमें आता है, भारत का देखने में ही आता है। जैसे हम भी कोई स्टोरी डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पर जो देखते हैं मुस्तकिल पूरे गल्फ़ में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दर्द है, अगर कोई घटना घटती है तो उस पर लोग परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो एक दर्द तो है लोगों के अंदर। मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट की थी इस बारे में, बहुत ज़्यादा दर्द है वहाँ के लोगों के बारे में, इसीलिए मुझे बुलाया अभी के मेरे कामों को देख के, तो मैंने यही कहा था कि जो काम मैं वहाँ कर रहा हूँ वो मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगा, वो मेरा घर के अंदर की बात है, घर के अंदर हमारे चोर हैं, हम खुद पकड़ेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदों पर बैठे रहे, बाहर वो नहीं। लेकिन हाँ, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, जो NRIs हैं, उनकी ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो, क्योंकि मैं मुस्लिम्स के बीच में ही गया था, तो वो मुस्लिम क़यादत जो है देश की, उसको ठीक करने के लिए कि जो आज हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक बहुत ही मशकूक हालात में है, रिलीजियस लीडरशिप तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुकी है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, अच्छी लीडरशिप को उभारने के लिए अपना रोल प्ले करें, ये उनका लिमिटेड रोल हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक गुजारिश मैंने वहाँ की थी, तो उसके लिए उन्होंने हाँ भी किया, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम सब लोग एक माहौल बनाएंगे कि इंडिया में ऐसी मुस्लिम लीडरशिप ख़ास तौर पर ऐसी होनी चाहिए जो कि संविधान के दायरे में रह के संविधान का जो असली मकसद है, जो असली उसकी रूह है, उसके हिसाब से ना सिर्फ मुसलमानों को मुस्लिम लीडरशिप फ़ायदा पहुँचाए, बल्कि मुस्लिम लीडरशिप
हर एक मुस्तज़फ़ीन जो है, हर एक मज़लूम जो है उसको फ़ायदा पहुँचाए, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़ भी सबसे फहरिस्त अव्वल में रहें, जिनको मुस्लिम लीडरशिप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए।